विपक्षी दलों के गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने इंडिया गठबंधन में भ्रष्ट दलों और नेताओं से दूर रहने की बात कही। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दावा किया कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक में पार्टी ने दिल्ली में सातों लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि ऐसी बयानबाजी जारी रही तो मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल होने का कोई फायदा नहीं। 26 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार की ओर से मंत्रिपद की पेशकश की खबर को गलत बताया है। शरद पवार ने कहा है कि 12 अगस्त को अजित पवार से मुलाकात एक पारिवारिक मुलाकात थी और उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। इससे पहले सुप्रिया सुले ने भी कहा कि वो पारिवारिक मुलाकात थी, क्या बात हुई पता नहीं। कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट ने शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि जिन्हें कांग्रेस के साथ रहना है रहें, वरना बीजेपी के साथ जाएं। आज केंद्रीय कैबिनेट में पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस सेवा जैसी योजनाओं को मंजूरी मिल गई। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सुनार, लोहार, बढ़ई, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल से जुड़े लोगों को तय शर्तों के साथ 1,00,000 रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 57,613 करोड़ रुपए की पीएम ई बस सेवा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में होगा। दिल्ली में नेहरू स्मारक और संग्रहालय का नाम आज से प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। कांग्रेस ने विरोध जताते हुए कहा है कि मोदी सरकार भारत से नेहरू का नाम और योगदान मिटा नहीं सकती। बीजेपी ने कहा है कि परिवारवाद से लड़ाई में बीजेपी भारत के भुला दिए गए राष्ट्र निर्माताओं को उचित सम्मान दे रही है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मूर्ति भवन के पास नई इमारत में पीएम संग्रहालय का उद्घाटन किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की उम्मीद है। इससे पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। नीतीश कुमार ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी हम सबसे प्रेम करते थे, उन्हें भूल नहीं सकता। बीजेपी ने कहा है कि अटल जी की वजह से ही नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे।